हमको तो रुलाने का बना चुके हो मन, हे वेतन रूपी भगवन कब दोगे तुम दर्शन। 3 महीने हो गए हमें वेतन नहीं मिला है। हमारे डिपार्टमेंट में करीब 70% फीमेल टीचर्स हैं। हम MCD में 22,000 शिक्षक हैं और 22,000 में से 16,000 जो शिक्षक हैं आज वेतन की समस्या को लेकर के दर दर की ठोकरें खाता फिर रहा है। बच्चों को हम कंपटीशन के लिए तैयार करते हैं, कहीं हमें बच्चों को लेके जाना होता है, स्कूल में हमारे पास में कोई फंड नहीं है। स्कूल में जब एक टीचर पढ़ाता है तो उसे चौक चाहिए होती है, डस्टर चाहिए होती है, वो पैसा भी MCD नहीं दे पा रही है, जिसकी वजह से वो हमारे को अपनी जेब से देना पड़ रहा है। किसी को बच्चों की फीस देनी होती है, किसी को घर की इंस्टॉलमेंट देनी होती है। मुझे टेंशन है कि मेरे बच्चे की फीस नहीं भरी गई है, स्कूल से कोई नोटिस तो नहीं आया, घर में गैस कनेक्शन वाला आया उसे पैसे देने। बताओ हम बच्चों को पढ़ाएं या भूख हड़ताल धरना प्रदर्शन करते रहें। किसी को घर का किराया देना है तो किराया नहीं दे पा रहा है, ऐसे में क्या करें हम। एजुकेशन सेस के नाम पे पूरे देश भर में तरह तरह से टैक्स वसूला जाता है, मगर सिर्फ टीचर्स की सैलरी देने के लिए पैसा नहीं है, तो वो पैसा आखिर जाता कहाँ है। जिस शिक्षक को देश का भविष्य निर्माता कहा जाता था, आज उसके लिए वेतन भी नहीं है। न्याय की गुहार हर जगह लगाई है लेकिन हमें वेतन नहीं मिल रहा है। एक टीचर जो है वो लाचार हो चुका है बुरी तरीके से, वो आखिर जाए तो जाए कहाँ। कैलाश जाने का करता है मन, कोई तो दिला दो हमारा वेतन।